अजमेर के पुष्कर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विकसित भारत विषय पर आधारित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी की आज शुरुआत हुई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम ज्योति ककवानी, केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रदेश कार्यालय के सहायक निदेशक संतोष वेंकट रमन, केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक पराग मांडले सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी 15 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में मोशन सेंसर गेम, सेल्फी व स्कैनर और ऑनलाइन गेम्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसमें भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं और जो विकसित भारत 2047 का विजन है उसको बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है, और AI के उपयोग से और जो मोशन सेंसर गेम्स इसमें रखे हुए हैं उससे स्पेशली जो यूथ को अट्रैक्ट करते हुए किस तरह से उन तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाई जाए, क्विज भी रखे गए हैं ताकि उन जानकारी को लेके उनको पार्टिसिपेशन उनका बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने जो है 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में सामने लाने का संकल्प रखा है, तो उस संदर्भ में क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसकी एक झलक जो है इस प्रदर्शनी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसमें जो जन कल्याणकारी अलग अलग योजनाएं हैं उनके बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा आधुनिक दृष्टि से जो जैसे अलग अलग चंद्रयान है या मंगलयान है उन सब के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और जो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो उनको थोड़ा सा इंटरेक्टिव उनके साथ में हो पाए चीज़ें, तो कुछ मनोरंजन की चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने ये वृहद आइकॉन लगाया है पुष्कर मेला अजमेर जिले में। तो ये इस आइकॉन का मकसद ये है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जितने भी पॉलिसीज हैं भारत सरकार के, वो इट रीचेस आउट टू द पीपल। More and more people get aware about these programs. They get to know how they have to apply for these benefits, what their entitlements are. So that is the main objective behind which we have organized this particular